दिशा से चल रही ठंडी हवा के कारण सरगुजा संभाग में ठिठुरन भरी ठंड से लोग सिरह उठे हैं। ठंड के इस सीजन में पहली बार संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। रविवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह है इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। लगातार ठंडी हवा के चलने से लोगों को दिन में भी राहत नहीं मिल पा रही है। सरगुजा जिले में ठंड को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत के अंडमान सागर में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से नमी युक्त हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर आ रही हैं। इसके साथ ही उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसकी वजह से आसमान में हल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दो दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान स्थिर रहना बताया जा रहा है और दिन का अधिकतम तापमान कम रहने के साथ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है और न्यूनतम तापमान आने वाले 2-3 दिनों तक स्थिर रहने की संभावना जताई गई है। इस समय में दक्षिण भारत में अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो उधर से कुछ नमी युक्त हवाएं आ रही हैं जरूर, और इधर उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, कुछ हलचल उधर से भी हैं, तो आसमान में भी हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं और संभावना है कि अभी 1-2 दिन बादलों की आवाजाही हल्की रहेगी, जिससे तापमान स्थिर रहेगा। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान कम हुआ है, दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है।